हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं अपने क्रिसेंथेमम के प्लांट को फर्टिलाइजर देने वाली हूँ। जब से मैंने रिपोर्ट किया है, मतलब पहली बार में ही इस बार मैंने रिपोर्ट कर दिया था, कटिंग से डायरेक्ट मैंने पॉट में शिफ्ट कर दिया था। सोचा था थोड़े बड़े पॉट में शिफ्ट करूंगी, लेकिन इतनी स्पेस नहीं है कि मैं बड़े बड़े पॉट में उनको लगाऊं, तो इसलिए मैं छोटे पॉट में ही रहने दूंगी। 6 इंचेस पॉट में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे फर्स्ट मैं आपको दिखा दूँ, लिया है मैंने यहाँ पर ये सरसों की खली, उसके बाद मैंने ली है नीम की खली, उसके बाद थोड़ा सा सिंगल सुपर फास्फेट है, उसके बाद यहाँ पे लिया मैंने बोन मिल, ये देखिए ये बोन मिल है, और उसके नीचे सबसे नीचे जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है ये है वर्मी कंपोस्ट। तो ये इतनी चीज़ें मैंने यहाँ पे मिक्स करी हैं। आप इसमें चाहे तो कुछ डीएपी के भी दाने डाल सकते हैं, तो थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे डीएपी के दाने भी इसमें, और उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है डीएपी का भी। मैं अपने विंटर के प्लांट्स में डीएपी का यूज कर लेती हूँ, क्रिसेंथियम में थोड़ा बहुत, और डहेलिया में बहुत अच्छा रिजल्ट दिखता है उसका। ये देखिए फर्टिलाइजर सारे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे मिक्स करेंगे ये डीएपी, ये देखिए थोड़ी सी मात्रा में ही लेना है, मतलब एक गमले में लगभग 8-10 दाने ही जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, इतना हमको मिक्स करना है इसमें। तो बस इतना ही मिक्स करेंगे और इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो ये फर्टिलाइज़र हमारा पूरा तैयार हो गया है, और आप चाहे तो इसमें फंगीसाइड भी मिला लें। फंगीसाइड अभी पता नहीं किधर रखा मैंने, हमेशा गुम जाता है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा फर्टिलाइज़र जो है। चलिए इसको हम इसमें डाल लेते हैं। इसमें होल है तो नीचे से गिर रहा है। तो ये देखिए हम आ गए अपने क्रिसेंथियम के पास, और इनकी कंडीशन देखिए थोड़ी सी एलेगी से हो रहे हैं, क्योंकि इनको जो स्टिक लगा के मुझे थोड़ा सा खड़ा करना था वो मैंने नहीं किया। अब देखिए इतना इतना फर्टिलाइज़र मैं हर प्लांट पे दे करके अच्छे से मिट्टी में मिक्स कर दूंगी, क्योंकि मैंने इनको कुछ भी फीड नहीं कराया, और ये बस जस के तस तब से लगे हुए हैं बेचारे। तो इनको ज़रूरी था, मतलब हर प्लांट को, इसके ऊपर मुझे थोड़ी सी मिट्टी भी और डालनी पड़ेगी, ताकि प्लांट हमारे जो है ना अच्छे से खड़े रह पाएँ, और थोड़ा सा स्टिक का सहारा भी देना पड़ेगा। तो ये देखिए ये वाले प्लांट तो मेरे काफ़ी अच्छे से मतलब खड़े रह जाते हैं, इनको स्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ जो वेराइटी होती है ना उनको स्टिक की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से वीड्स वगैरह निकाल करके, और जो नीचे की बहुत सारी पत्तियाँ हों उनको भी आप निकाल लीजिए, उससे क्या होता है नीचे फंगस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए नीचे की पत्तियाँ थोड़ी सी हटा दीजिए। पता नहीं दिखा पा रही कैमरे में कि नहीं, तो और उसके बाद इस तरह से थोड़ा सा गुड़ाई ज़रूर कर लीजिए, गुड़ाई बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी, क्योंकि जो इनके रूट होते हैं ना बहुत ही नाजुक होते हैं, तो थोड़ी थोड़ी ही गुड़ाई करनी है आपको, बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, बस ऊपर ऊपर ही हल्की हल्की सी। और इस तरह से देखिए धूप बहुत तेज़ हो गई है, सुबह का टाइम जो होता है ना नहीं कर पाती, शाम को भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। इस समय घर में पेंटिंग का भी काम चल रहा है, तो इस वजह से और भी काम नहीं हो पा रहा मेरा तो, और अभी तो शुरू नहीं हुआ, मतलब अभी नीचे ही शुरू है, मेरे ऊपर अभी नहीं आए हैं पेंट करने के लिए, लेकिन फिर भी गमले वमले इधर उधर हटाने पड़ जाते हैं बहुत सारे। और ये देखिए इस तरह से तो मैं हाथ से इसकी गुड़ाई कर दे रही हूँ थोड़ा थोड़ा, और वीड्स वगैरह ज़रूर आप हटा लीजिए, जो रनर नीचे से निकल रहे हैं चाहे तो आप उनको भी हटा सकते हैं, मैं तो नहीं हटा रही हूँ, थोड़ा प्लांट और भूसी हो जाएगा, वैसे उसको हटा देने से प्लांट अपनी सारी एनर्जी ऊपर लगाता है। तो ये देखिए, और देखिए प्लांट काफ़ी अच्छे घने हैं, मैं इनकी पिंचिंग भी टाइम टाइम से करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी इनको थोड़ा सा ज़रूरत है न्यूट्रिएंट्स की भी, और थोड़ी सी सहारे की भी, ताकि अच्छे से खड़े रह पाए। देखिए पूरे प्लांट ऐसे लुढ़कने शुरू हो गए हैं, तो ज़रूरी है इनको मिट्टी, देखिए पूरा मतलब छोटा छोटा सा गमला है उसके बावजूद ये आधा आधा खाली है, उसमें भी मिट्टी थोड़ी सी भी और इसमें भरनी पड़ेगी। तो आज शाम को इसी के ऊपर मैं मिट्टी भी डाल दूँगी, ताकि अच्छे से खड़े हो पाएँ प्लांट मेरे। और देखिए नीचे से कितनी वीड्स भी ग्रो हुई है, तो ये ऐसे एक एक मुट्ठी मैंने ये सारा फर्टिलाइजर डाल दिया है, और
आप हिबिस्कस की कटिंग में भी ये फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा DAP बहुत ज़्यादा ना रहे, इतना ध्यान रखिएगा, और उसके बाद प्लांट आपके अच्छे हेल्दी चलेंगे। तो ये देखिए सब में लगभग मैंने डाल दिया, ये वाला बचा, इसको तो मुझे रिपोर्ट भी करना था, अभी कटिंग ही लगी हुई है, इसकी रिपोर्टिंग ही नहीं की अभी तक मैंने। और इधर पेंटास भी इसी तरह से लगे हुए हैं, इधर हमारे कलांचो के प्लांट हैं, अब कलांचो में हम ये फर्टिलाइजर दे सकते हैं। और एक वीड्स आपको दिखा दूं, इतनी प्यारी धूप में ऐसे चमक रही जैसे इसमें फ्लावर खिला हुआ हो, देख सकते हैं। अगर आप लोगों को पता हो तो इसका नाम जरूर बताइएगा। ये एक फर्न की वेरायटी है और मेरे दो गमलों में ये ग्रो हुआ है, इतना सुंदर दिख रहा है कि मैं इसको हैंगिंग बास्केट में लगा दूँ सोच रही हूँ, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये। तो इधर देखिए हमारे जो ये वाले प्लांट हैं, मैंने रिपोर्ट किया था कुछ टाइम पहले सकुलेंट के, बहुत ही हेल्दी से हैं। तो ये देखिए सारा फर्टिलाइजर मैंने सबको इनको दे दिया है, और ये कलांचो कल रात को उठा के लाए थे और इनको धूप में ही छोड़ दिया, तो ये देखिए इनकी कंडीशन कैसी हो गई है। इस समय की जो धूप है ना, बहुत ही मतलब एकदम जला देने वाली धूप हो रही है। तो बस फ्रेंड्स ये बताना था, आप भी अपने क्रिसेंथम में अगर आपने दोबारा फीड उनको नहीं कराया है तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके प्लांट हेल्दी रहें, नहीं तो बस इसी तरह से कंडीशन ख़राब हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उनको कंडीशन को ख़राब होने में। और